तो निकले अभी कॉलेज की ओर। तो आज कॉलेज का ब्लॉग शूट करते हैं, आज कहीं जाना नहीं है, तो मैंने सोचा कि मोटो ब्लॉग ही शूट करते हैं। फिलहाल कॉलेज तक पहुंचेंगे और कॉलेज से वापस आते बना लेंगे तो ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा दोस्त मिल चुका है, इसने जाना है नहीं जाना है? जाना नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना? क्यों ना जा रहे हो आंटी, अपनी साइड चलो ना। और ये देखो बिना हेलमेट के चले होते हैं और ऊपर से इतना स्लो, पीछे वाले को जाने नहीं देते यार। और ये देखो भाई, मॉर्निंग कुछ ऐसी होती है कि भाई सीधे सुबह सुबह जल्दी जल्दी ना। ओ तेरी ये क्या कर रहा है बंदा पागल। अब क्लोज कॉल हो गया था, अभी हो ही गया था, अब वीडियो क्लिप पे देखने पड़ेगा मेरे को तो। बट अब जो क्या बोल रहा था मैं भूल गया। अरे यार सच्ची में क्या बोल रहा था मैं, चलो कोई ना, जब याद आएगा तो बता दूंगा मैं आपको। बस अभी तो पास चाहिए हमें। अरे यार ट्रक जो धूल उड़ा रहा है ना, कसम है मुंह धोने का फायदा नहीं है, शील्ड लगा लेता हूँ, जल्दी निकालने दे भाई। और भाई कसम है ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो भाई सामने हर कुछ। तो बस आज मोटो ब्लॉग ही बनाते हैं, सिंपल नहीं करना यार शूट, क्योंकि भाई आज कुछ ना पिछले कल से तबीयत नहीं ठीक चल रही है, तो आज भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब ही है। तो सोचा कि अब मोटो ब्लॉग ही शूट करते हैं, मोटो ब्लॉग ठीक रहता है, जहाँ तक जाऊँगा वहाँ तक ब्लॉग बना लेंगे। और यहाँ से पास लेने पड़ेगा, पास नहीं सॉरी टर्न लेने पड़ेगा। भाई मोटो ब्लॉग में ना अकेले बात करनी पड़ती है बंदे को, मतलब जैसे मैं मोटो ब्लॉग बना रहा हूँ तो मेरे को खुद से खुद ही बात करनी पड़ती है, कोई बात करने वाला नहीं होता। तो आप समझ रहे हो ना कि मोटो ब्लॉग कितना टफ है। तो भाई ये देखो मोटो ब्लॉग बहुत टफ है भाई, लोग सोचते हैं कि कैमरा उठा लिया और वीडियो बनाते रहो, ऐसा कुछ नहीं है, मोटो ब्लॉग बहुत टफ है भाई। और यहाँ से ना ऊपर से स्लाइडिंग होती है, तो यहाँ से जल्दी जाने पड़ रहे हैं, क्योंकि भाई छोटे छोटे ना पत्थर गिरते रहते हैं ऐसे नॉर्मल भी, अगर बारिश हो तब तो भाई पूरा पहाड़ ही आ जाता है कभी कभी, बट मैक्सिमम अब एक दो साल से हुआ नहीं ऐसा, बट भाई बहुत रिस्की है ये। तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है मेरे को नहीं पता, क्योंकि हवा बहुत चली हुई है, तो बाकी तो आ ही रही होगी, माइक तो लगाया ही है मैंने। तो चलो पहुंचने वाले हैं कॉलेज भी। भाई मिल चुके हैं उसने, फिर कहाँ जा रहे हैं? स्कूल, बढ़िया है, चल ठीक है मैं भी कॉलेज जा रहा हूँ। तो अपने भाई मिल चुके थे, तो दोस्त है मेरे ये, तो अब भाई चलते हैं, तो अब मिल जाते हैं भाई अपने, तो चलो अब चलते हैं। और सामने रहा मोहित भाई का कार वॉश सेंटर और जेके टायर्स, इनकी कंपनी है, इनकी कंपनी नहीं मतलब इन्होंने ली हुई है मेंबरशिप जो भी होती है, स्पॉन्सरशिप पता नहीं क्या होता है, मेरे को नहीं पता भाई। बस अब चल रहे हैं बस कॉलेज की ओर। और भाई जब से गोप्रो आया ना मेरे पास, तब से भाई नाका लगा ही नहीं कहीं पे, मैं सोच रहा था पहले नाके पे जाता हूँ कहीं पे, तो ऐसे मैं ब्लॉग शूट करता था अपना नॉर्मली गाड़ी में, तो बहुत नाके लगे होते थे, अब जब से गोप्रो आया ना तब से स्कूटी है अपने पास, तो भाई नाके ही नहीं लग रहे यार। तो मैं सोच रहा था कि नाके पे जाके थंबनेल मिल जाएगा बढ़िया सा, समझ रहे हो ना कि चलान हो गया ऐसा वैसा, बट भाई नाका ही नहीं मिल रहा भाई, पता नहीं क्या सीन है। तो बस कॉलेज पहुँचने वाले, और साथ में ये जो बिल्डिंग बन रही है ये हमारा चंबा का मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो यहाँ पर सब कुछ होगा, OPD वगैरह सब कुछ जिसको बोलते हैं इलाज वगैरह सब कुछ होगा। भाई ये क्या कर रहे हो अंकल जी? टायर्स की टमाटर भाई ऐसी सी चादरों में ने, अब नीचे को टर्न ले लिया हमने, तो अब देखते हैं भाई। ये देखो हेलो मेधावी आ गई है तू, आ जा अब आ गई है तू कैमरे पे, आ जा, कहाँ जा रही है जल दिया सामने, चले बंद कर दिया, शर्माती रे। तो भाई फाइनली कॉलेज पहुंच चुके हैं हम, और मैं कॉलेज से थोड़ा सा नीचे आया हूँ, प्रांति का कॉलेज भी जरिए है, तो उनको ये वाला बैग देना है, बस ये बैग देते हैं फिर चलते हैं भाई। ये है कॉलेज, हाँ ये तो है, ये सामने गोंतला मेमोरियल जी। तो प्रांति को बैग दे दिया, तो अब चलते हैं भाई अपने कॉलेज। भाई सामने देखो कितना बड़ा लग रहा है हमारा कॉलेज, ये सारा हमारा कॉलेज है। अपने दोस्त भी बाहर ही खड़े थे, तो चलते हैं भाई।
रिहान भैया क्या हाल है आपके? नहीं आए ओन को में नहीं ओन राणे मत होए तो चलते भाई। तो ये हमारे रोहित भैया, रोहित भैया देखो यहाँ पे कांडी भैया क्या हाल है आपके? क्रेजी रिएक्शन जोनी भैया ने रिएक्शन दे दो बोल कुछ है जल्दी आ कैमरा क्या गया बोल कुछ पहले तो भाई पेट्रोल डाल स्कूटी में। हाँ चलो ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ ना। ओके ब्रो। तो भाई जस्ट अभी निकले हैं कॉलेज से, तो प्रणब भी जा रहे हैं, तो क्लास पूरी ख़त्म हो चुकी है तो हमने सोचा ही घर ही जाते हैं, कॉलेज भी क्या करना। हाँ जी जनाब चलो सर चलो भाई चलते हैं भाई यहाँ से बिल्कुल ध्यान से। ये कौन सा स्कूल आ गया यहाँ पे? रिएक्शन देखो भाई इनके, देख ही नहीं रहे, वाह गजब बेइज्जती है भाई साहब। कैमरा ऑन नहीं था ना पीछे भाई, बहुत अमेजिंग रिएक्शन मिले यहाँ से, पास लेते हैं पहले, अमेजिंग रिएक्शन मिल रहे थे भाई। भाई साहब ये क्या कर रहा है यार ट्रक वाला, इसको पता नहीं कि बस खड़ी है बीच में घुसा रहा है पागल। हमने तो आगे से जाना है भाई, कोई आओ तो नहीं है तो क्या बंदे हैं यार, ध्यान से चला करो यार। हम तो बिल्कुल ध्यान से चलते हैं, देखो भाई बिल्कुल हेलमेट वेलमेट पहन के। अरे यार ऐसी गाड़ियों से पास भी कैसे लेना, इन्होंने अपने मिरर ही नहीं खोले हैं साइड वाले, इनको दिखेगा कैसे कि पीछे से स्कूटी आ रही है या गाड़ी आ रही है। क्या बंदे हैं यार, गाड़ियाँ ऐसे चलाते हैं जैसे पता नहीं क्या है। देखो भाई अब मैं पास भी लूँ कैसे लूँ, डर लगता है ना फिर ऐसे बंदों से, चाहे पास लेते लेते राइट साइड टर्न कर दे। देखो भाई अजीब ही है, क्या बोल सकते हैं अब, पास लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो भाई तो अपने घर के पास पहुंचने वाले हैं, पता नहीं माइक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है मेरे को नहीं पता भाई, बस कर रहा होना चाहिए क्योंकि भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी रिकॉर्ड नहीं हो तो क्या फ़ायदा। भाई यहाँ पे ट्रैफिक लग चुके हैं और सिलेंडर की गाड़ी आ गई है, पास लेते हैं भाई, रॉन्ग साइड से जाना है ठीक है अभी क्योंकि हमने यार इधर तो जाना है और ये मैम जो थे प्रिंसिपल हैं तो ये मेरे जिम भी आते थे हमारे, तो जानते हैं मेरे को ज़रा। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ प्रांति के साथ, प्रांति की शॉपिंग करवाने क्योंकि प्रांति ने जाना है नेक्स्ट मंथ पठानकोट, उसकी ट्रेनिंग लगने वाली है। तो प्रांति पीछे बैठे हैं मेरे, बड़ी गंदी चढ़ाई है भाई। तो पहुँच चुके हैं मार्केट, तो हमने अभी शॉर्टकट ही मारा था तो आपको मार्केट दिखाता हूँ चंबा की पूरी। आज रश बहुत कम है भाई, पता नहीं क्या सीन है बट बहुत कम रश है भाई यहाँ। इस साइड से मार्केट ही है ये देखो, मैं नीचों वेट कर रहा मामू लगे हैं ठीक है। तो ये रहे मामू, जा रहे हो आप नहीं लेगे? पजामा लिया ठीक है, गर्मियों के हिसाब से लेना था क्योंकि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं चावल की गुत्थी बोलते हैं ना, चावल की चावल का पैकेट लेने, पैकेट नहीं बोरा, हाँ बोरा लेने, नहीं बोरा नहीं गुत्थी होती है 35 किलो की गुत्थी लेने जा रहे हैं चावल की। तो फिर उसके बाद घर निकलेंगे भाई, और अंधेरा होने वाला है, गोप्रो की क्वालिटी थोड़ी बेकार हो जाएगी तो सॉरी उसके लिए। भाई अगर हो सके तो एम्बुलेंस को पास दे दिया करो, यहाँ पे देखो भाई कितनी ट्रैफिक होती है तो निकल नहीं पाती एम्बुलेंस ध्यान से। तो अभी यहाँ जा रहे हैं हम सामने, तो जो अपना सामान था प्रांति ने जो लेना था वो हमने डाल दिया भाई, लड़कियों वाला सामान मेरे को पकड़ा देते हैं, देखो कहीं टूट टाट गया तो पंगा मेरे को पड़ेगा। तो अब चलते हैं भाई, हेलमेट यहाँ लगाते हैं फिलहाल, पुलिस वाला भी है तो एक अद्धा क्या होता थंबनेल बन जाए देखता हूँ नहीं देखा भाई अंकल ने लेनी है तूने ज्वेलरी लेनी तूने नहीं नहीं हाँ लेने स्टार्ट वाले अच्छा
अंधेरा हो गया, जल्दी कर जाना भी है घर। हाँ ले जल्दी ले आ। तो भाई ये है मार्केट, तो शाम को मैक्सिमम लोग चले जाते हैं अपना अपना। क्या वो, हाँ पूछ लेंगे जाते जाते। क्या बंदे है यार, कौन से शूज है हैं? हाँ अच्छा फ्रूटी का वो गिरा रहन दे। तो गाइस फाइनली अभी हम फ्री हो चुके हैं, तो घर वापस जा रहे हैं, ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। टिल देन बाय।